गुरुग्राम रेप की सिटी बनती जा रही है। इस साल अब तक दर्ज मामलों के मुताबिक हर 3 दिन में एक मासूम के साथ गुरुग्राम में रेप या उत्पीड़न का मामला सामने आता है। चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकतर मामलों में रिश्तेदार, परिचित या किराएदार ही आरोपी निकलते हैं। मिलेनियम सिटी में छोटे बच्चों और बच्चियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहाँ बीते 8 महीने के भीतर 102 से ज्यादा यौन शोषण और उत्पीड़न के मामले दर्ज किए गए हैं। यानी साइबर सिटी में हर 3 दिन में एक बच्चे या बच्ची के साथ यौन शोषण या उत्पीड़न की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस की माने तो 2017 में ये आंकड़ा 142 तक था, लेकिन 2018 में सिर्फ 8 महीनों के दौरान ये आंकड़ा 102 तक पहुंच चुका है, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला और भयावह स्थिति बयां करने वाला है। गुरुग्राम में आज तक जो पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं, लगभग 100 के करीब मुकदमे दर्ज हुए हैं, और जिनमें ज़्यादातर में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और ज़्यादातर केसेस जो है लगभग 66 के करीब जो है न्यायालय में दिए जा चुके हैं, और 29 केसेस ऐसे हैं जो अभी अंडर ट्रायल चल रहे हैं, और कुछ एक केसेस में सच्चाई सामने नहीं आने पर कैंसिल किए जा चुके हैं। इनमें ज़्यादातर जो देखने में आया है उसके रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी ही या जानकार व्यक्ति ही मिले हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। इस अति संवेदनशील मामले में मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ब्रह्मदीप संधु की माने तो बच्चे ऐसे मामलों में शातिरों का बेहद आसानी से शिकार बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने साथ हुई हैवानियत को बयां तक नहीं कर पाते। लगातार बढ़ते एकल परिवारों का चलन भी इस समस्या की बड़ी वजह है। हम लोग जल्द ही किसी पर विश्वास कर लेते हैं जिसका अंजाम बेहद भयावह होता है। ऐसा पाया जाता है कि जो यौन शोषण करने वाले हैं उनकी मानसिकता विकृत भी होती है कभी कभी, और वो किसी केस में ऐसा भी पाया जाता है कि वो लोग परिवार के सदस्य होते हैं, और किसी केस में ऐसा पाया जाता है कि बच्चा अकेला मिला, उस केस में ऐसा इस प्रकार से शोषण हुआ। इसी प्रकार से जो बच्चों के केस में जो शोषित हुआ है बच्चा, उसके मन पे काफी दुष्प्रभाव आता है। इसीलिए सरकार की ओर से काउंसलर रखे गए हैं जो कि बच्चों के केस में जो भी यौन शोषण के मामले आएंगे उनकी काउंसलिंग की जाएगी, ताकि उनके मन पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना रहे। इसे एक तरीके से यही कहेंगे कि जैसे फर्स्ट एड दी जाती है, ऐसे ही साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का नाम दिया जा सकता है, जो कि तुरंत प्रभाव से बच्चे के साथ में शोषण हुआ उसे सपोर्ट दी जाए। इस मामले में ACP क्राइम की माने तो मासूमों के साथ हुई ज्यादती की वारदातों में कोई सगा, परिचित या किराएदार ही शामिल पाया गया है, लेकिन बच्चे और बच्चों के साथ हुई बर्बरता के मामलों को गुरुग्राम पुलिस बेहद संजीदगी से लेती है, और इसी के चलते ज्यादातर मामलों में चार्जशीट पेश की जा चुकी है। इसमें स्पेशल कोर्ट जो है डेजिग्नेटेड है, जो स्पीडी ट्रायल करती है, और जो इनके विटनेसेस हैं और जो केस की ट्रायल के दौरान जितने भी गवाह हैं सबके समनिंग टाइम टू टाइम करवाए जाकर और जल्दी से जल्दी इनकी ट्रायल पूरी करवाई जाकर। सर, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, क्या कारण समझते हैं सर, क्यों मामले बढ़ रहे हैं? ये ज़्यादातर जो जानकार हैं वही होते हैं, और उन्हीं के आपस में एक दूसरे के घर में आने जाने से या बच्चियों के साथ इस तरह के जो है ना मामले सामने आ रहे हैं। हालात को देखें तो इन भयावह आंकड़ों के बाद कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम अपने बच्चों और बच्चों को गुड टच और बैड टच के अलावा किसी भी अजनबी या किराएदार पर एकदम से विश्वास न करने के बारे में बताएं। साथ ही बच्चों को बिना देखरेख के कहीं खेलने या फिर किसी और वजह से न छोड़ें। ऐसी ही अनदेखी या नादानियों का खामियाजा हमारे नौनिहालों को साइबर सिटी में भुगतना पड़ रहा है। सुशील सिंह, टोटल न्यूज़, गुरुग्राम।